नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों। राइजिंग राजस्थान के संबंध में जयपुर में एजुकेशन प्री समिट का आयोजन हुआ। प्री समिट को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी स्टेट में विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राइजिंग राजस्थान को कामयाब बनाने में आज की समिट का बड़ा योगदान होगा। अब तक 18 लाख करोड़ रुपए के MOU हो चुके हैं। हमारा मकसद केवल MOU साइन करना नहीं है बल्कि इसे धरातल पर भी लागू करना है। CM ने कहा कि हमारा मकसद केवल आंकड़े गिनना नहीं है बल्कि लोगों को उसका लाभ देना भी है। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले की चर्चा काफी समय से हो रही है। इस मामले में ED अपनी ओर से जांच कर रही है, वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो भी जांच कर रही है। इस बीच ACP ने जल जीवन मिशन घोटाले के केस में पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 23 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ACP की ओर से दर्ज मामले में 979.45 करोड़ घोटाले का केस दर्ज किया गया है। आरोपियों में विभाग के अधिकारी, ठेकेदार समेत कंपनियां भी शामिल हैं। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। BJP और कांग्रेस के स्टार प्रचारक लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। झुंझुनू में उपचुनाव के लिए प्रचार के लिए डॉक्टर सतीश पूनिया पहुंचे। उन्होंने केहरपुर, किशोरपुरा समेत अन्य गांवों में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र बांबू के साथ सभाएं की और भाजपा के लिए वोट मांगे। इस सीट पर BJP से राजेंद्र बांबू चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस ने ब्रजेंद्र ओला के पोते अमित ओला को टिकट दिया है। वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। गुड़ा के उतरने से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहूं? उसे काम करना तो नहीं है, सिर्फ फालतू की बातें करनी है। डोटासरा ने मदन दिलावर को नसीहत देते हुए कहा कि वो अपने विभाग में काम करें और काम करके जनता को दिखाएं। मदन दिलावर को शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग में काम करना चाहिए बजाय इसके कि फालतू की बात करें। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी क्षेत्र में विजिलेंस की टीम कार्रवाई करने पहुंची। बिजली विभाग के अधिकारियों के पास विधायक का फोन आ गया। इसके बाद गुस्साए अधिशासी अभियंता ने संविदा कर्मी को चप्पल मार दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि इस इलाके में जबरदस्त बिजली चोरी हो रही है। वो जब भी विजिलेंस की कार्रवाई करने जाते हैं तो स्थानीय नेता उन्हें कार्रवाई से रोक देते हैं। जयपुर में 4 बदमाश सोने घर के ताले तोड़कर 80 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए। वारदात घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोर करीब 17 मिनट तक घर में रुके। वारदात बिंदायका थाना इलाके के गणेश विहार कॉलोनी में हुई। ये घर निजी कॉलेज में प्रोफेसर स्मृति अग्रवाल का है। उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज की है। SOG ने SI भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में RPSC के पूर्व सदस्य रामूराम रायका व बाबूलाल कटारा सहित 12 के खिलाफ पेश चार्जशीट में चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। इसमें RPSC चेयरमैन संजय क्षत्रिय का भी नाम है। चार्जशीट के अनुसार रायका ने अपने बेटे देवेश व बेटी शोभा को थानेदार बनाने के लिए परीक्षा के एक माह पहले ही पेपर हथिया लिया था, फिर इंटरव्यू में भी धांधली की थी। पहले ही उसने बेटी की फोटो इंटरव्यू बोर्ड को दिखा दी थी। बेटे के इंटरव्यू से पहले रायका RPSC के तत्कालीन अध्यक्ष संजय क्षत्रिय के पास सरकारी आवास पर मिले थे। तब क्षत्रिय ने कहा था कि देखते हैं। SOG की चार्जशीट को कोर्ट ने मंगलवार को ही रिकॉर्ड पर लिया है। सरकार की ओर से प्रदेश में 23,820 पदों पर निकाली सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अभ्यर्थी अब 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। DLB ने आवेदन की तिथि में बढ़ोतरी कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर थी लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होने की वजह से 10,000 आवेदन ही आए थे। अब DLB डायरेक्टर ने इसकी तारीख बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी है। वहीं आवेदन में होने वाली त्रुटियों को 21 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच ठीक किया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। ट्रंप ने मतगणना की स्थिति साफ होते ही फ्लोरिडा में अपने समर्थकों के सामने विक्ट्री स्पीच दी और
जीत का दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच में समर्थकों से कहा कि ये अमेरिका के लोगों के लिए शानदार जीत है, इससे एक बार फिर अमेरिका को महान बना सकेंगे। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में चश्मदीद को धमकी भरा फोन आया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह को धमकी भरा फोन आया है। पुलिस का अनुमान है कि ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से आई है। इस मामले में शिकायत के आधार पर खार पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई गई है। वहीं आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात को हत्या कर दी गई थी। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर बुलेटिन। नमस्कार।